हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट भर्ती 2020 से संबंधित राजस्थान जीके के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, ये अपना 27वां मॉडल टेस्ट पेपर है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो भी आप चैनल पर जाके ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के जो सारे क्वेश्चन हैं वो दुर्गों से रिलेटेड है। दुर्गों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेकर के ये आज का पहला वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, गढ़बीटली दुर्ग यहाँ चार ऑप्शन में से किसको जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग का नाम है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए ताकि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। दोस्तों, सभी जो क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले में, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? पहला रहेगा ए में, तीसरा यानी उत्तरी अरावली भानगढ़, फिर मध्य अरावली तारागढ़ और दक्षिणी अरावली ऋषिकेश। एक तरफ आपको प्रदेश दिए हैं और दूसरी तरफ आपको पर्वत चोटियों के नाम हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा दूसरे का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक 2019 हाल ही में जो पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें ये पूछा गया था। तो धाराधारगढ़ के नाम से चौमुहागढ़ किले को जाना जाता है। दोस्तों, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धाराधारगढ़ किले से लेकर के। चलिए दोस्तों, अगला है, किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ किला अजमेर, चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? मानगढ़ जो है वह है बांसवाड़ा जिले में, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है मित्रों, कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेहरानगढ़ किला जोधपुर बिल्कुल सही बात है, जूनागढ़ किला बीकानेर बिल्कुल सही है, रणथंबोर सवाई माधोपुर भी सही है, लेकिन यहाँ पर लोहागढ़ जो है वो जैसलमेर में नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। चलिए दोस्तों, अगला है, निम्न में से किसने सिवाणा के किले का निर्माण करवाया था? तो सिवाणा के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण ने करवाया था। दोस्तों, याद रखना है, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है, तो आठवें का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नौलखा दरवाज़ा निम्न में से राजस्थान के किस किले का भाग है? तो नौलखा दरवाज़ा जो है वो रणथंबोर किले में है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, दानवन दुर्ग के बीच स्थित है? दोस्तों, दानवन दुर्ग होता है जो होता है रेगिस्तान के बीच में स्थित होता है, उसे दानवन दुर्ग, रेतीली मिट्टी के बीच में होता है, पशुधन सहायक 2019 में आया हुआ है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है? जी हाँ दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग का किस दुर्ग का हिस्सा है? तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। पटवारी सॉरी पीटीआई परीक्षा 2018 में ये आ चुका है। अगला है, जो दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बोनस माना गया था, तो इसमें आपको बताना है ढूंढ करके कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, कोसवर्धन किला जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोसवर्धन किला किस नाम से जाना जाता है? शेरगढ़ दुर्ग जो है उसे ही कहा जाता है कोसवर्धन किला, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थोड़े से नहीं है, दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आप डिलीट माने। अगला 15वां प्रश्न है, किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो विरासत दुर्ग में देखो जैसलमेर भी है, आमेर भी है और गागरौन भी, लेकिन मांडलगढ़ नहीं है भीलवाड़ा वाला, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2017 में आ चुका है। दोस्तों, बसंती किले का नामक किले का निर्माण करवाया है राणा कुंभा ने, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, घूंघट घूगड़ी बांद्रा इमली क्या है?
दोस्तों तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम हैं क्या? घूंघट, घूघड़ी, बांद्रा, इमली। ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया हुसैन शाह ने, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में आ चुका है। अगला है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो यह जालौर के किले के बारे में, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? तो 32 किलों का निर्माण करवाया है महाराणा कुंभा ने, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो गागरौन का किला, झालावाड़, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सा सुमो सही नहीं है? तो जूनागढ़ भरतपुर में नहीं है, तो जूनागढ़ बीकानेर में, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी सारे यहाँ पे सुमेलित हैं। अगला है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ, तो वह था लोहागढ़ का भरतपुर किला। ऑप्शन नंबर पहला रीट परीक्षा 2011 में आ चुका है। वीरों के स्मारक स्तंभ राजस्थान स्थान कहाँ पर स्थित है? तो बन चूड़ला में ये स्थित है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? शाहबाज खान ने 1578 में आक्रमण किया था, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, कुमारपाल प्रबंधन में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था, चित्रांग मौर्य उस राजा का नाम था, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। 28वां है, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। 29वां है, तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? तो अजमेर में स्थित है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? तो चित्रांगद मौर्य ने बनवाया, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा 30वें का। दोस्तों 31वां क्वेश्चन है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह था जलालुद्दीन खिलजी, जेके खिलजी था, दोस्तों पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ किले को लिविंग फोर्ट कहा जाता है, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पे चित्तौड़गढ़ वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों का कौन सा युग्म सही है? प्रयोगशाला सहायक 2016 में आया है, तो जैसलमेर, मेहरानगढ़ बिल्कुल गलत है, जोधपुर, जूनागढ़ ये भी नहीं है, शेरगढ़, कोसवर्धन सही है, बीकानेर, सोनारगढ़ गलत है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला है, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो तोप डालने का कारखाना एकमात्र जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 27वां, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सारे मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं, वहाँ साइकोलॉजी और हिंदी शिक्षण, संस्कृत और राजस्थान जीके से संबंधित सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।